पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण सहमी हुई है, तो वहीं चीन में एक नए वायरस के संक्रमण ने वहां के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को इसके बारे में परेशान कर दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये वायरस कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है। चीन में कोरोना वायरस के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच इस वायरस के बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं। इसके कारण चीन में एक इंसान की मौत भी हो चुकी है। एंटा वायरस कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या है, आइए बताते हैं आपको। कोरोना वायरस के कारण चीन पहले ही परेशान था, लेकिन चीन के यूनान में हंटा वायरस के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार हंटा वायरस चूहों और गिलहरियों के संपर्क में आने के कारण फैलता है। अभी तक के किए गए शोध के अनुसार यह वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता और ना ही पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चूहा या गिलहरी के संपर्क में आता है तो उसे हंटा वायरस का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। हंटा वायरस के कारण लोगों में हंटा वायरस रोग हो जाता है, जिसके कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। हंटा वायरस के लक्षण को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के अनुसार जब कोई इंसान हंटा वायरस से संक्रमित होने पर उसे 101 डिग्री के ऊपर बुखार होता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द रहता है और उसे सिर दर्द भी महसूस होता है। इसके साथ साथ हंटा वायरस से संक्रमण व्यक्ति को मतली, उल्टी और पेट दर्द की समस्या भी होती है। साथ ही साथ त्वचा पर लाल दाने भी उभरने लगते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक इसके संक्रमण को रोकने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टरों के द्वारा यह भी कहा गया है कि लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह केवल चूहा और गिलहरी के ही संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि हंटा वायरस से भारत भी अछूता नहीं रहा। 2008 और 2016 में दो बार ऐसे मामले सामने आए हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर आप भी अपने आसपास मौजूद चूहों और गिलहरियों से दूरी बनाए रखें। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।